दर्शकों, आपने हमें बताया कि 25वां सिल्वर जुबिली अंक बड़ा ही मनोरंजक है। ऐसे ही लिखते रहिए। छब्बीसवें एपिसोड में है खबरों में पक्षी, रोचक कहानी। भारत के राज्य पक्षी, प्राणी जगत की पुलिस कौन है? प्रश्नावली, जीतो इनाम। आज का अतिथि पक्षी बोलो कौन सा होगा? फोटो गैलरी में शानदार पक्षी, मनोरंजक उड़ती बातें। इस बार नई जानकारी लेकर है पक्षी मित्र काऊ भाई भी। अब आगे खबरों में पक्षी अर्थात बर्ड न्यूज। व्हाई, हाउ? दोस्तों, आपने जितनी भी दोस्ती की कहानियां सुनी होंगी उनसे अलग है यह कहानी। मानव तथा सारस पक्षी की, जिन्हें दया, स्नेह, करुणा ने बांध दिया। सिद्धार्थ गौतम तथा देवदत्त की सत्य कथा का स्मरण हो रहा है। भारत, उत्तर प्रदेश राज्य, गांव मंडका, अमेठी के आरिफ जी ने सहज दया बुद्धिवश एक जख्मी सारस पक्षी की टूटी टांग पर अपने खेत में घरेलू उपचार किया, हाथों से अन्न भी खिलाया। इस देखभाल स्नेह को पाकर यह सारस पक्षी आरिफ जी को भूला नहीं। उनके साथ आसपास घूमना, भोजन करना, संध्या समय घर लौटाना, यह होता रहा जब तक वन्य विभाग ने सारस को अलग नहीं किया। महीने बाद वन्य विभाग के आश्रय स्थल पर जब आरिफ जी पहुंचे तो सारस पक्षी ने उन्हें पहचान कर ऊंची छलांगे लगाकर आनंद व्यक्त किया। है ना दोस्ती की मिसाल? सौजन्य, बीबीसी समाचार। क्या तुम भी दोस्ती करोगे? अब लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी। दर्शकों, क्या आप तैयार हो? महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण काव्य का प्रारंभ कौन से पक्षी से संबंधित है? इस स्तंभ में हम मिल रहे हैं भारत उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन से। वर्ष 1 जुलाई 2014 से यह सम्मान प्राप्त है। जानेंगे बहुत कुछ। दर्शक मित्रों, जंगल का राजा शेर, आकाश में गरुड़ राजा, जल में देव मछली, सुंदर पक्षियों में मयूर, तो सच्चे प्रेम का प्रतीक कौन सा पक्षी माना जाता है? वही है आज का अतिथि पक्षी। नाम सरल है, सारस क्रेन अर्थात क्रौंच पक्षी। भारतीय शिल्पकला, प्राचीन कथा संदर्भों से लेकर वर्तमान की ताजा खबरों में इनका उल्लेख होता है, क्योंकि यह सुंदर प्रजाति अब खतरे में आ गई है। यह निवासी पक्षी दो के जोड़ों में या दो तीन बच्चों समेत 5 के समूह में उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के दलदल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के शहर गोंदिया, भंडारा जहाँ सरोवर है। तथा नाम जैसे रक्त शीर्षक, बग, बलाक, दीर्घपाद शरीर रचना अनुसार कुल 8, भारत में 4 प्रजाति है। यह कद में 5 से 7 फीट हमारे जितने ऊंचे, तो वजन 8 किलो तक। लेकिन इनकी विशेष बात आगे बताएंगे। माह जून में इनकी गिनती होती है।
उत्तर प्रदेश के गांव इटावा मैनपुरी में अधिक लगभग 2500 जबकि भारत में लगभग 15,000 IUCN सूची में संकटग्रस्त माना है। बैड लक, यह है इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। यह पक्षी सर्वाहारी है, कीटक दाने कीचड़ के जंतु बीज इत्यादि, तो इसे किसान मित्र तथा प्राकृतिक कीटकनाशक भी कहा जाता है। यह खेत में जमीन पर पड़े दाने ही खाते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। इनका प्रजनन काल माह जुलाई से घटकर नवंबर हुआ है। यह मादा नदी के किनारे बड़ा सा तराफनुमा घोंसला बनाकर दो दो दिन के अंतराल से 3 या 4 अंडे देती है, जो नर मादा दोनों से तेज है। 5 सप्ताह बाद चूंजे निकलते हैं, जो 3 महीने माता पिता के आधार से सीखते हैं। किंतु खेतों तालाब भोजन की कमी बढ़ते शहर के कारण इन्हें स्थलांतर करना पड़ता है, तो संकटमय अधिवास खेतों में केमिकल जो इनकी घटती संख्या का कारण है। सारस पक्षी युगल को सम्मान दिलाता आपसी गाढ़ा प्रेम, जीवन साथी के वियोग में प्राण त्याग देना। सारस का प्रणय नृत्य, प्रणय गीत, प्रेम प्रस्तुतिकरण, वियोग और मानव संघ निवास समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रणयातुर सारस अपने साथी के संग सिर चोंच उठाकर ऊंचे स्वरों में आलाप करते हुए ऊंची छलांग लेकर, कभी लंबे पंख फैलाकर दौड़कर चुनौती देकर, झुककर शक्ति प्रदर्शन से मादा को आनंदित करते दिखाई देते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, उड़ती बातें यानी कि पक्षी जगत की मजेदार बातें। सारस पक्षी ऊंचा उड़ सकने वाला कद में सबसे ऊंचा पक्षी है विश्व भर में। सारस पक्षी की उड़ने की गति 45 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लो कि मोटर कार जितनी। सारस आजीवन एक ही साथी चुनते हैं। कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान गुजरात गोंड समाज में परंपरा है कि नवविवाहित जोड़ते सारस जोड़े को वंदन करते हैं। बेलारी का गोल्डन क्राउन सारस पक्षी सुंदर है, इस कारण कैद होता है या शिकार। अफसोस, यह मानवों से घुल मिल जाता है, लेकिन कभी इन्हें पालना मत, नुकसान या शिकार मत करना, पाप लगेगा, जेल भी होगी। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण कायदे से संबंधित गुनाह है। IUCN अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये संघ पौधे तथा सभी जीवों की निगरानी करता है, जैसे पुलिस हमारी नायिका। इस काम में सहयोगी संस्था है जो इस लाल सूची यानी रेड लिस्ट का उपयोग करके संबंधित कार्य समूहों को सूचना देती है। पहले चलते हैं चित्र दीर्घा अर्थात फोटो गैलरी में। क्या है बर्ड पॉइंट चैनल की फोटो गैलरी में है कुछ उड़ते पक्षी अलग कोण से। इन्हें लेकर आए हैं अतिथि छायाचित्रकार श्रीमान अविनाश मयेकर, जो टेक्सटाइल सलाहकार इंजीनियर तथा निसर्ग प्रेमी भी है। आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेक्शन अ बर्ड्स डायरी, पक्षी दिनचर्या अर्थात पक्षी इस महीने में क्या रहे हैं। पक्षी प्रेमी मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि भारत में अधिकतम पक्षी
मानसून वर्षा ऋतु पूर्ण गतिमान होने के पहले अपने अपने घोंसले या स्थान पक्का कर देते हैं। हमारे पक्षी मित्र काऊ भाई चिंतित चेहरे से संकेत कर रहे हैं कि समूचे विश्व भर में जो मौसम ऋतु चक्र में बदलाव आ रहा है उसके कारणों का क्या हम पता लगा पा रहे हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में बाढ़ के दृश्य और यह दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर। ठंडे प्रदेश यूरोप में बढ़ती हुई गर्मी। हमारे पक्षी मित्र काऊ भाई चिंतित चेहरे से संकेत कर रहे हैं कि समूचे विश्व भर में जो मौसम ऋतु चक्र में बदलाव आ रहा है उसके कारणों का क्या हम पता लगा पा रहे हैं।